Hmm. हेलो दोस्तों हम आपको आज चौदह इंची काटिंग मशीन का आर्मेचर चेंज करके दिखाएंगे पहले हम कार्बन कैप ओपन कर लेते हैं दोनों साइड का कार्बन कैप ओपन करने के बाद मशीन को खोल के आपको पहले आर्मेचर दिखाएंगे आर्मेचर कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है पहले खोल लेते हैं उसके बाद आपको दिखाएंगे ये हिटाची का बहुत पुराना मॉडल है ये मॉडल जिस के जिसका भी पास है उनको पता है ये मशीन कितना बढ़िया है ये जल्दी ख़राब नहीं होता इस वजह से कंपनी ने इसको चेंज करके नया वाला हिटाची का मॉडल मार्केट में लेके आया है जल्दी जल्दी खराब हो जाता है ये मॉडल जल्दी ख़राब नहीं होता इसके हार पार्ट बहुत बढ़िया से कंपनी ने तैयार किया था टीटा जी का फास्ट मॉडल है अभी दो मॉडल मार्केट में लेके आया है वो बढ़िया नहीं है जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है उसका बैरिंग प्लेस भी ख़राब होता है और आर्मेचर का सैप भी पतला कर दिया थोड़ा वो टक्कर होने से बैंड हो जाता है कभी कभार टूट भी जाता है इस मशीन में ऐसे कोई दिक्कत नहीं था इसका सामने वाला भी जो बैरिंग होता है ना बहुत बड़ा बैरिंग कंपनी ने दिया है अभी जो नया मशीन मार्केट में आया है उसका बैरिंग छोटा कर दिया आर्मेचर का बैरिंग का जो साइज़ है इसमें छोटा नहीं किया है इसमें सैप जो नया मशीन आया है उसके जो सैप्ट है उसको सैप्ट को पतला कर दिया है जहाँ पे गियर होता है ना वो थोड़ा पतला देखने को मिलेगा मैंने चार नाट खोल लिया उसके बाद ऐसे करके धीरे करके ओपन कर लेना देखिए आर्मी चार इस साइड कैसे स्पार्क होके खराब हो गया देखिए देखिए ये मशीन खराब होने का जो कारण होता है ना इसमें बैरिंग खराब हो गया था इसको चेंज करना था इसमें चेंज नहीं किया इस वजह से फील्ड में भी घिस रहा है देखिए आपको देख के पता चल रहा है बैरिंग ख़राब हो गया था इस वजह से आर्मेचर जल गया फील्ड ठीक है देखिए हीटाची सी सी फोर्टीन एस एफ इन आर्मेचर है हम पहले भी बोला था मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैं कभी भी कंपनी वाला ओरिजिनल आर्मेचर मशीन में नहीं फिट करता हूँ जितने भी मेरे पास मशीन लेके आता है जो लोकल आर्मेचर होता है वही हम फिट करते हैं बढ़िया से चलता है कोई दिक्कत नहीं कंपनी बोलता है ओरिजिनल डालो नहीं तो मशीन बढ़िया से काम नहीं करेगा मेरे कभी ऐसे नहीं हुआ बहुत बढ़िया से चल रहा है इसको मैं अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं उसके बाद हम बैरिंग फिट करने के बाद आर्मेचर फिट करके आपको दिखाएंगे अच्छे से आप साफ़ सफाई कर लेना देखिए ए कंपनी का बैरिंग होता है टू आर एस तो आप कभी भी बड़े मशीन जो होता है ना जो महंगा मशीन होता है उसमें कभी भी सस्ते वाला बैरिंग मत डालना जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा आप भी कुछ भी बैरिंग डालना है तो आप एस्केप का ऑरिजिनल बैरिंग मार्केट से खरीद के डाल सकते हो बहुत बढ़िया से काम करते हैं इस बैरिंग को हम पहले आर्मेचर में फिट कर लेंगे उसके बाद आपको मशीन में फिट करके दिखाएंगे देखिए ऐसा कुछ सामान ले लेंगे जो बैरिंग को हम इजीली फिट कर सकते हैं देखिए अब धीरे धीरे करके फिट कर लेना बैरिंग को आपको जल्दी जल्दी नहीं करना तो आप धीरे धीरे करके काम कर लेना और जो भी काम करना प्यार से करना देखिए मैंने बैरिंग फिट कर लिया। है घुमा के भी देख लेना कितना बढ़िया से मूव कर रहा है देखिए मैंने बैरिंग फिट कर लिया देखिए बैरिंग मैंने फिट कर रहा हूँ उसमें जो प्लेस है ना उसमें ढीला है आपको ऐसे इजीली वो ओपन हो रहा है आपको इसको फिट करना है सही से तो इसमें हम क्या करेंगे फेबिक्विक से इसको देखिए आपको दिखाते हैं आपको कैसे करना है आप पहली बार में पहली बार आपको आपसे आप से नहीं होगा धीरे धीरे करने से हो जाएगा आपको ज़्यादा बार करने से इसका जो सही तरीका है उसको फिट हो सकता है पहली बार ऐसे आपको थोड़ा टाइट हो जाए तो फिर दोबारा से खोलना फेविक्विक को छील लेना वहाँ से साफ सफाई करने के बाद फिर से आप लगाना दो चार बार आपको ट्राई करने से आपको सही जो काम होता है ना वो हो जाएगा आप कुछ एक लकड़ी ले लेना तो आपको नीचे इसको सपोर्ट देना है नहीं तो क्या होगा आप जब इसमें टक्कर मारोगे ये सामान टूट सकता है बैंड भी हो सकता है तो आपको वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है देखिए इसमें मैं सपोर्ट लगा दिया नीचे से उसके बाद हम आर्मेजर को इसमें फिट करेंगे थोड़ा बहुत ग्रीसिंग कर लेंगे जिससे आपको वो जो फिट करने में दिक्कत ना आए और पेनिया में भी ग्रीस हम कर लेंगे मैं हर काम आपको नहीं दिखा सकते थोड़ा बहुत काम आपको दिखा देंगे मेरे दुकान में बहुत सारे काम होता है सब काम नहीं देखा सकते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जितना मैं देखा सकता हूँ थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे जितना हम सिखा सकते थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखा देंगे इसमें जब कंपनी का जो मशीन में फिट रहता है जो बैरिंग पहले फ़िट कर देते हैं उसके ऊपर आपको दो नाट फंसा लेते हैं क्या होता है हम जब भी ऐसे करेंगे तो आपको बैरिंग ओपन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो ऐसे भी कुछ मशीन आएंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे उसको आपको कैसे खोलना है कैसे फिट करना है वो भी आपको दिखा देंगे मेरे को रिपेयर करना है तो हम इसको इजी बना देते हैं बाद में जब भी हम खोले इसको खोलने में दिक्कत ना आए देखिए मैंने फिट कर लिया देखिए कितने बढ़िया से मूव कर रहा है और ये भी हिल भी नहीं रहा है बढ़िया से वो फिट हो गया उसके बाद ऊपर वाला जो बैरिंग होता है ना उसको फिट करना है आप पहले वैरिंग फिट करके ठोकोगे तो वैरिंग ख़राब हो जाएगा उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है पहले आपको आर्मेचर फ़िट करना है उसके बाद आपको बैरिंग फिट करना है बहुत सर का पता नहीं होता पहले वैरिंग फिट कर दे, उसके बाद तो पैरिंग आप ठोकोगे तो वैरिंग ख़राब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपका वैरिंग ख़राब होएगा कब देखिए ये भी एस का ही है अब छोटे हेम लेके धीरे धीरे करके ठोकना नहीं तो क्या होगा आपका जो बैरिंग है ना छोटे बैरिंग होता है वो ज़्यादा टक्कर मारने से बैरिंग हिल जाएगा तो खराब हो जाएगा उसके बाद हम फिट कर लेंगे मशीन को फिट करने के लिए दो आदमी लगते हैं इसमें जो स्पिंग होता है ना उसको हाथों में ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है उसके बाद आपको फिट कर सकते हैं। हो देखिए अभी फिट हो गया उसके बाद हम नाट को कस लेंगे चार अरब तीन सात नाट होता है इसमें जो पुराना वाला कार्बन था हम उसी कार्बन को फिट करेंगे कार्बन में कोई दिक्कत नहीं है आर्मेचर जल गया तो हम पुराना कार्बन फिट करके आपको दिखाएंगे फिटेजी कंपनी का ऑरिजिनल कार्बन है बहुत महंगा है तो हम उसको फेंकेंगे नहीं मेरे को ये हीटर कंपनी का जो मशीन है ना बहुत अच्छा लगा है बहुत इसमें काम करने में आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा दिन चलता भी है इसका हार पार्ट कंपनी ने बहुत अच्छे बनाए थे जो अच्छा चीज़ होता है ना आपको ज़्यादा दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा थोड़ी दिन बाद कंपनी ने उसको बंद कर देगा कि वो इसको आपको बेचेगा तो ये मशीन ख़राब है नहीं होगा तो कंपनी का भी फायदा नहीं होगा जितना ज़्यादा खराब होगा कंपनी का उसमें फ़ायदा होता है नया नया सामान आप खरीदेंगे धीरे धीरे करके हम नाश को कस लेते हैं इस मशीन का जो लॉक है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है क्यों अच्छा है इसको लॉक का जो सिस्टम है ना जो अभी नया मॉडल है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा हम इस वीडियो को लोड करने के बाद दूसरा वीडियो भी आपको लोड करके दिखाएंगे वो भी मैंने तैयार कर लिया आज मेरे से तीन चार वीडियो मैं बनाया थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे सी सी फोर्टीन जो है ना उनको भी मैंने आज आर्मेचर चेंज किया है इस वो वीडियो भी आपको अपलोड करके अभी दे देंगे थोड़ा टाइम लगेगा उसको एडिट वेडिट करने में आज भी दे सकते कल दे देंगे देखिए मैंने इसको कस लिया है उसके बाद आपको कार्बन डाल के दिखाएंगे देखिए आपको घुमा के देखना है कार्बन कौन सी साइड में घूम रहा है आ मशीन बढ़िया से फिट हुआ के नहीं हुआ मूव करके भी देखना है आपको बढ़िया से मूव हो गया तो आप कार्बन फिट कर लेना देखिए मैंने पुराना कार्बन मशीन में फिट कर रहा हूँ अब फिट करने के बाद आपको चला के दिखाएंगे आपको एक भी स्पार्क देखने को नहीं मिलेगा अभी कभी भी आपको जो महंगा वाला मशीन होता है ना उसका जो कार्बन होता है आपको महंगा वाला कार्बन ही डालना है हिटाजी का मशीन आप हिटाजी का कार्बन डाल सकते हो नहीं तो बॉस कंपनी का जो कार्बन होता है बॉस का नहीं स्किल कंपनी का एक मशीन आता है उसका जो कार्बन होता है वो इसमें फ़िट कर सकते हो दोनों कार्बन बढ़िया से इसमें फिट हो जाता है हिटाजी से बॉस का जो कार्बन है हिटाजी से भी ज़्यादा अच्छा चलता है आपको मार्केट में नहीं मिलेगा जो बॉस का शोरूम होता है वहाँ से आपको मंगाना पड़ता है नहीं तो आप हिटाजी कंपनी का जो सी सी फोर्टीन एयर सेफ नहीं तो एच टी डी दोनों कार्बन इसमें लगा सकते हो घिस के आपको लगाना है हम आपको मैसेज चला के दिखाते हैं इसमें एक भी पार्क आपको देखने को नहीं मिला बढ़िया से मशीन चल रहा है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा